आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और तबस्सुम टॉकीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये शेर सुनिए। फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, जिसको हंसता हुआ पाओगे परेशान होगा। पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नाज़िया हसन से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनका इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई जब मैंने ये सुना कि उनकी डेथ हो गई और वो भी सिर्फ 35 साल की उम्र। उन्हें कैंसर हो गया था और उसके बाद उनकी बहुत सी प्यारी प्यारी बातें मुझे याद आने लगी। उनसे जब दिल की बात होती है, वजद में कायनात होती है, क्या करें बात बेवफाओं से, बात वालों से बात होती है। आइए आज उस लड़की से बात करें जिसके एक ही गाने से फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बात बन गई, नाज़िया हसन। नाज़िया जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये चाहती हूँ कि आज प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले क्यों ना हम आप ही की आवाज़ में, खालिस शुद्ध आपकी आवाज़ में, यानी बगैर साजों के, वो गाना सुन लें जिसने तहलका मचाया था। आप जैसा कोई। बिल्कुल ठीक है। जरा गुनगुनाइए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ओ हो बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन। ठीक है, बस बस। अरे रे रे रे, ऐसा लगा जैसे दिल चलते चलते दिल की धड़कन बंद हो गई हो। आगे बढ़ने से पहले मैं जो आपको देख रही थी उसे देखते हुए एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि आप में निस्वानियत, ग्रेस बहुत ज़्यादा है। और ये लोच, ये लचक, ख़ास तौर पे गाते हुए जो आप मगन हो जाती हैं और आपके अंग अंग से रिदम फूटा पड़ता है, ऐसा लगता है कि आपने डांस भी सीखा है? नहीं नहीं सीखा। नहीं तो यानी सारी कारस्तानी जो है बगैर सीखे हुए हो रही है? कारस्तानी, कारस्तानी मतलब ये कयामत, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो है बगैर सीखे हुए सब चला आ रहा है। तो आपको ये महसूस नहीं होता कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए अगर वाकई गाना भी और सीख लें और डांस भी सीख लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा? पता नहीं, अभी तो नहीं सीखा। और अभी स्कूल है ना तो इतना टाइम नहीं मिलता, जब शायद स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद देखूंगी, लेकिन अभी तो नहीं कर रही कुछ। कर तो कुछ नहीं रही लेकिन करने की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि वाकई और सीखा जाए और ज़्यादा परफेक्ट हुआ जाए इस लाइन में? नहीं नहीं, ये तमन्ना बहुत बहुत खुशकिस्मत हो, वरना तो लोग इतनी ज़्यादा तमन्नाएं करते हैं कि तमन्नाओं के बोझ से दम निकल जाता है। अच्छा, हमने सुना है और अखबारों में भी बहुत पढ़ा है कि आपको फिल्मों में काम करने की ऑफर भी मिल रही है। जी, तो क्या आप एक्सेप्ट कर रही हैं? नहीं, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? बस जो मैं सवाल करती हूँ उसका जवाब आप देती हैं नहीं। नहीं, ये जी और नहीं, नहीं चलेगा नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ। अच्छी ऑफर्स हैं लेकिन मुझे शौक नहीं है फिल्म्स में एक्ट करने का, तो मैंने सबको कहा कि नो, सब कहते हैं नो, आई सेड नो। एक शेर याद आ गया, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। ऐसी ही यादें आपके साथ शेयर करती रहूंगी, देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।